नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जयेश जी भैया बोलिए। अच्छा सुन, अपना दीपक आ रहा है अभी। हाँ, उसका ट्रांसफर यहीं अलीगढ़ हो गया है, वो अभी हमारे साथ ही रहने वाला है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। हाँ सुन, मैं क्या सोच रहा था, ये मौका अच्छा है, जल्दी से उसकी शादी करवा देते। हाँ भैया, आप ज्यादा ढील देना सही नहीं है, मेरी नजर में है कुछ रिश्ते, पहले भी आपको बताए थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तू एक काम कर, तू कल ही आ जा और उन लड़कियों की फोटो भी ले आ जा। हाँ, उसे दिखा देंगे और एक फाइनल कर देंगे। ठीक है? ठीक है भैया, मैं कल आता हूँ। हाँ आ जाओ जल्दी, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है? क्या हुआ? अरे वो जयेश आ रहा है कल अपने दीपक के लिए, उसने कुछ लड़कियां देखी, उनकी तस्वीर भी लेके आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ सुनो, मेरे लिए जरा चाय बना दो, और दीपक भी आता ही होगा, उसके भी नाश्ता पानी का इंतजाम कर दो। अभी लाती हूँ। हाँ ये रही आपकी चाय। अरे वाह, अरे शायद अपना दीपक आ गया। अरे नमस्ते पापा जी। आ गए बेटा। जी जी नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो। चल। अरे रुक, वहीं रुक। क्या जरूरत है सबकी? मैं करती हूँ, और हमारे घर की कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ प्रथाएं हैं, उन्हें मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा बता। चल एक काम कर, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है? चल। हाँ हम इंतजार कर रहे हैं, आ जा। ये लीजिए आपकी चाय। जयेश भैया कब तक आ रहे हैं? आता ही होगा, घर से तो सुबह सुबह निकल चुका है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टूट गया? अब तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी मैम। और पापा गांव में सब कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है बेटा। अरे हाँ, जयेश आ रहा है, मैंने बुलाया है उसे। कैसा जी को? तेरे रिश्ते के लिए उसने कुछ लड़कियां देखी, उनकी तस्वीर लेके आ रहा है। पापा शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे कहाँ से आ गई क्या मतलब, नहीं करनी है क्या शादी? अरे तुझे जॉब लगे एक साल हो गए, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? अब तक दिल्ली में रहता था तो टालता था, लेकिन अब तेरे बहाने नहीं चलेंगे। हाँ सही तो कह रहे हैं तेरे पापा, बस एक बहू की कमी है इस घर में, बाकी तो सब कुछ है ही। बोलो, आ गया। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। आओ 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 आओ, तुम्हारा ही इंतजार था जयेश। ये तब खुश रहो, खुश। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। और दीपक तुम्हारा तो चेहरा ही बदल गया यार दिल्ली रहकर। अरे तुम इतने लेट कैसे हो गए, कहाँ अटक गए थे? अरे भैया वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा, वो फोटोज लाए हो? हाँ हाँ लाए हो ना, ये देखो। देखो तभी ग्रेजुएट है और संस्कारी भी है। दीपक तू भी तो देख जरा, इनमें से तुझे कौन सी पसंद आ रही है? मम्मी इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है भाई, इस परिवार का सबसे बड़ा लड़का है तू, तेरी शादी का सभी को इंतजार है, अगर तूने कोई दिल्ली में देख रखी हो तो बता दे। ए जयेश क्या बेकार की बातें कर रहा है, सबको मालूम है कि हमारा दीपक ऐसा लड़का है ही नहीं, वो हमारे मर्जी के खिलाफ एक काम भी नहीं करता तो लड़की कैसे पसंद करेगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे तो गर्व है अपने बेटे पर, वो आज भी हमारी इतनी इज्जत करता है। अच्छा ये दीपक देख,
इनमें से एक लड़की पसंद कर ले ताकि हम आगे बात बढ़ा पाए। ले पापा मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता। अरे दीपक कहाँ जा रहे है बेटा, एक बार देख तो ले फोटो। रहने दो, रहने दो। शर्मा गया होगा बेचारा। अरे मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई दीपक के लिए, देखो तो जरा। मुझे भी बहुत पसंद आई। हमारे दीपक और इसकी जोड़ी बहुत अच्छी रही। जयेश जरा बताना कौन है लड़की। अरे भैया ये अपने मिश्रा जी की बेटी है। अच्छा। वो कॉलेज में टीचर है ना। अच्छा 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 अच्छा। आराध्या नाम है इसका। भैया बड़ी गुनी लड़की है, अपने दीपक के साथ अच्छी रहेगी इसकी जोड़ी। तो एक काम कर, तू मिश्रा जी से आगे बात बढ़ा और उन्हें एक दिन यहाँ बुला ले। ठीक है मैं आज ही बात कर लेता हूँ। हाँ। अरे भाभी जी जरा एक कप चाय तो पिला दो। देखो बातों बातों में मैं भूल ही गई थी, लेकर आती हूँ चाय तुम्हारे लिए। हाँ जयेश। हाँ ठीक है ना, तो मिश्रा जी को संडे को आने को कह दो, ठीक है ना। अच्छा हाँ ठीक है, रखता हूँ। कौन था जयेश? हाँ अरे वो कह रहा था कि मिश्रा जी बहुत खुश है इस रिश्ते से, दीपक को तो पहले से जानते थे और उसे जॉब भी लग गया। वो संडे को ही आने को कह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस दीपक की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा तुमने वो फोटो दिखाई उसे? देखी कहाँ उसने, टाल गया और कह रहा था दिल्ली जा रहा है कल किसी काम से। ठीक है कोई बात नहीं, संडे को उसे लड़की दिखा देते हैं। सुनिए। हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? वो जरा टहलने जा रहा। एक काम करिए ना, वो कल एकादशी है तो मुझे मंदिर जाना है, आप अपने ऑटो वाले को बोलिए ना कल सुबह आ जाए। अरे शालिनी अब ऑटो की क्या जरूरत है, अरे अपने दीपक की कार है ना उसमें चलेंगे मंदिर, वो भी आ जाएगा हमारे साथ। दीपक ये कौन है? माँ ये अंजू। अंजू मम्मी और पापा पैर छुओ। हाँ बस ठीक है। तो बताएगा भी कौन है? पापा ये आपके घर की बहू, मेरी पत्नी। सॉरी मम्मी पापा। बेटा तूने ये क्या किया, कम से कम हमें बता तो देता। माँ वो हम लोगों ने एक साल पहले शादी कर ली थी दिल्ली में, सोचा सही समय पर आपको बता दूंगा। और तुझे लगा कि यही समय सही है ना बेटा? वाह वाह वाह, तूने तो खानदान का नाम रोशन कर दिया। सॉरी पापा। सॉरी सॉरी कहने से हो गया सब कुछ? क्या क्या सोच रखे थे हमने तेरे लिए, क्या क्या सपने थे तेरी मम्मी के और मेरे, हम मिट्टी में मिला दिया ना। पापा मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन कोई और चारा नहीं बचा। हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे और कोई और चारा नहीं बचा तो सोचा आपको बिना बताए शादी कर ले। सॉरी पापा। दीपक कम से कम तू मुझे तो बता सकता था। माँ आप बता दिया ना मैंने। शालिनी पूजा की थाली ले आओ, रसम पूरी करो। हमारी माँ की रस्मों ने मुझे थका दिया, आजकल के जमाने में ये सब कौन करता है यार। ऐसी ही है मेरी माँ। वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। क्यों आज से पहले नहीं लगी क्या? लगती थी लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रही है। अच्छा जी। माँ जी ये आपका एक लीटर दूध। कल से दो लीटर देना ठीक है? माँ जी और कुछ राशन चाहिए तो हमें कह देना। बोल दूंगी। Thank you.
रहा है तू? नहीं माँ जी, मैं तो बस दूध दे दिया ना, अब चल निकल यहाँ से। और ये जो तेरी आंखें हैं ना, उन्हें जरा काबू में रख, वरना कल से तेरा दूध देना बंद। नहीं माँ जी, ऐसा मत करना। चल निकल अब यहाँ से। बहू, ये सब क्या है? मतलब ये तो कैसे कपड़े पहन के घूम रही है, तुझे शर्म भी नहीं आ रही? क्या मतलब है माँ जी, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? और मैं तो पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती आई हूँ। पहनती होगी, पर हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अरे पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है मतलब? सही तो कह रही है माँ, हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, नहीं चलेगा यहाँ ये। और तुझे कल कहा था ना मंदिर जाना है, तू अब तक तैयार भी नहीं हुई। देखिए माँ जी, मुझे कोई मंदिर वंदिर नहीं जाना है, कहाँ फंस गई मैं? किस दुनिया में जी रहे हो आप लोग? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी छोटे कपड़ों में अटके हुए हैं। और हाँ, वैसे भी मुझे कोई मंदिर वंदिर नहीं जाना है, आपको जाना है तो चले जाओ। बहू, दीपक, तुमने अंजू के बारे में कुछ बताया नहीं, मुझे कहाँ की है, माता पिता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? पापा दिल्ली में रहती है और इसके पापा रियल एस्टेट में काम करते थे। करते थे मतलब? पापा मैं बताती हूँ, मम्मी पापा की बात करें तो 10 साल पहले ही मेरी मम्मी गुजर चुकी हैं और 2 साल पहले ही मेरे पापा भी ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। तब से अकेली थी, अब दीपक का साथ है तो काम चल रहा है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, अभी छुट्टियों पे हूँ और बस यही है कहानी। तो अब अगर तुम लोग यही रहने वाले हो तो बहू तुम रिजाइन कर दो जॉब को। पापा वो मैं, दीपक मैं बताती। नहीं पापा, दीपक जल्दी ही अपना ट्रांसफर दिल्ली वापस कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती। वैसे मम्मी जी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मजा आ गया। बहू अब से रसोई तुम ही संभाल ली है और खाना भी कल से तुम ही बनाना है। What? मुझे खाना बनाना नहीं आता। दिल्ली में भी मेड आती थी, वो खाना बनाती थी और जब वो नहीं होती तो दीपक खाना बनाते हैं, है ना दीपक? By the way, I'm done. जो खाना तो खा लो। मेरा हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ, तुम्हारा हो जाए तो तुम भी आ जाओ। अरे बहू इधर तो आ। जी माँ जी। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, देख मैंने बाकी तो सारे काम कर दिए हैं, बस ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं उन्हें तो धो देना, ठीक है? ये आप क्या कह रही हैं, बर्तन और मैं, आपने सोच भी कैसे लिया? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, घर के काम तो हर औरत करती है। करती होंगी पर मैं नहीं करती हूँ और वैसे भी मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई। और हाँ माँ जी, मैं दीपक की बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो आप मुझसे ये सब कुछ करवाएंगी। अरे इसमें नौकरों वाली कौन सी बात है, घर के काम है सब औरतों को करना पड़ता है और तू कर लेगी तो कौन सी छोटी हो जाएगी। बस मैंने कहा ना, मुझसे आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना। चना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं तुम्हारी बात सुन के मैं यहाँ आई क्यों, अच्छा खासा जॉब कर रही थी। क्या हुआ, अभी तो अच्छे मूड में गई थी तुम। हाँ, अच्छे मूड में थी मैं। दीपक मुझे एक बात बताओ, तुम ट्रांसफर ले रहे हो या नहीं? हाँ ठीक है कर लूंगा, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। तुम्हारी माँ जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, बहू ये करो बहू ये मत करो। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ यार, कोई नौकरानी नहीं हूँ। बर्तन धोने के लिए कह रही थी मुझे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, धो देती बर्तन। दीपक तुम भी ना अब अपनी माँ की भाषा मत बोलो, आज तक कभी मैंने बर्तन धोए हैं क्या? दिल्ली में भी मेड थी ना बर्तन धोने के लिए, और वैसे भी ये सब करने आई हूँ क्या मैं यहाँ पे? सुनो मेरी बात,
गुस्सा शांत करो और देखो कल तुमसे चाचा और चाची स्पेशली मिलने आ रहे तो कल थोड़ा नॉर्मल कपड़े पहनना प्लीज। दीपक अभी मैंने जो भी कुछ कहा ना तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ के ना तुम बहुत बदल गए। सोने जा रही हूँ मैं। अंजू मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ सोने। लैपटॉप हटाओ अपना। मुझे मेरी बात तो सुनो। मुझे बहुत नींद आ रही है। भाभी हमारा दीपक तो छुपा रुस्तम निकला। पहले कितना शर्मीला था ना और अब देखो बहू को घर में भी ले आया और शादी भी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। अब तुम्हें क्या बताया नीता आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं माँ बाप का बस अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। अरे शालिनी बहू कहाँ है बातें तो बहुत हो गई बहू को तो दिखाओ। हाँ भाभी बातें तो होती रहेंगी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही आप बुलाइए ना उसे। बहू कहाँ हो बेटा जल्दी आओ। आई माँ जी। हाय एवरीवन। अरे देखो तो बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं। आप चाचा जी हैं ना दीपक ने मुझे आपके बारे में बताया था। हाँ मैं दीपक का चाचा जयेश और ये दीपक की चाची अनीता और ये ताई। बहू पैर तो छू इन सबके। जी माँ जी। हाँ ठीक है खुश रहो। ठीक है ठीक है खुश रहो बेटा। वैसे मैं तुम्हारा नाम भूल गया नाम क्या है तुम्हारा। मेरा नाम अंजू है। बहुत ही प्यारा नाम है। पार की नजर है दीपक की जो इतनी बढ़िया बहू लाया। भाप वैसे बहुत ही मॉडर्न बहू ढूंढी है दीपक ने आपके लिए। और बहू तुम क्या हमेशा ऐसे छोटे कपड़े ही पहनती हो या कभी साड़ी या कुछ बड़े कपड़े भी पहनती हो। ऐसे कपड़े से आपका मतलब। मेरा मतलब ये है कि तुम हमेशा छोटे कपड़े पहनती हो या कभी साड़ी या पूरे कपड़े भी पहनती हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ सबको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम क्या है क्या दिक्कत क्या है इन कपड़ों में। चाची जी आपको पता है शहर में आधी से ज्यादा औरतें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। सही तो कह रही है अंजू यही सब फैशन चलता है दिल्ली में। तुम चुप करो जी शहर में पहनते होगे ऐसे कपड़े हमारे घर में ये सब नहीं चलता। आप सबके सब एक जैसे ही हो यहाँ किसी से बात करना ही बेकार है। अरे बहू सुन। अरे बहू के नखरे तो देखो। सही कह रही हो भाभी आप। वैसे भाभी कहना तो नहीं चाहिए दीपक ने एक गलत लड़की से शादी कर ली ऐसे कपड़े कौन पहनता है। और भाई साहब आपको भी दीपक को समझाना चाहिए कि वो इसे कंट्रोल में रखे वरना आप सबकी जगह सही होगी। क्या बोल रही हो अनीता वो दिल्ली से इसलिए ऐसे कपड़े पहनती है। बस बहुत हुआ चलो यहाँ से हो गई मुंह दिखाई चलो भाभी आप भी। अरे अरे अनीता ऐसे कैसे खाना तो खाकर जाओ। नहीं नहीं भाभी बहुत हो चुका और वैसे भाभी इससे तो अच्छी मिश्रा जी की लड़की थी। चलिए। अरे अनीता पर हम तो आज यहाँ रुकने वाले थे ना। अब नहीं रुक रहे इनकी बहू है उसके नखरे यही झेले अब चलो यहाँ से। अरे पर अनीता तुम चुप रहो मैंने देखा था तुम उसे कैसे घूर रहे थे चलो यहाँ से। दीदी चलो अभी। अंजू मैंने तुमसे मना किया था ना कि चाचा और चाची के सामने इस तरह के कपड़े नहीं पहनना लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी अपनी मनमानी की। तुमको पता है जाते वक्त चाचा चाची कितना सुना के गए हमें। अच्छा तो अब तुम्हें मेरे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम हो रही है। आज से पहले तो तुम्हें इन कपड़ों में मैं बड़ी अच्छी लगती थी फिर आज अचानक से क्या हो गया। अंजू जगह और माहौल भी देखा जाता है। तो अब तुम्हें मुझसे ज्यादा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगने लग गई है ना। पर दीपक मेरी फीलिंग्स का क्या हर बार मैं ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं। मैंने आज तक तुम्हें कभी भी कुछ भी करने से रोका है क्या।
आज तक मैंने कभी कहा है कि ऐसे कपड़े पहना करो, ऐसे बैठो, ये करो, कभी नहीं कहा ना। कोई है क्या अंजू? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अंजू है घर पर? आप लोग कौन? हम अंजू के दोस्त हैं। विकी, जूही, तुम लोग? कैसे हो? बहुत अच्छे। हमें मालूम पड़ा कि तुम ससुराल में शिफ्ट कर गई, तो बस मिलने चले आए। सोचा कि तेरा ससुराल भी देख लेंगे और तुझे सरप्राइज भी दे देंगे। कैसा लगा तुझे हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बता, तेरे ससुराल वाले कहाँ हैं और तेरा हबी? दीपक ऑफिस गया है, बापूजी अंदर हैं और ये मेरी सासू माँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। बेटा ये लोग कौन है? माँ जी ये सब मेरे दोस्त हैं। वैसे ये सब क्या है? अब पहली बार तेरे ससुराल में आए हैं तो बिना पार्टी हो जाएंगे नहीं। और ये रही तेरी फेवरेट बियर। और ये तेरा रोस्टेड चिकन। वाओ बहू, ये चिकन और ये सब? अब माँ वो आप अंदर जाइए ना, मैं आती। सुनिए जी, बहू के दोस्त आए हैं दिल्ली से, वो भी उसी की तरह बेशरम है और साथ में शराब और कबाब भी लेकर आए। अच्छा तुम सब लोग बैठो, मैं ग्लासेस लेके आती हूँ। ठीक है, चलो खोलो खोलो। मम्मी पापा, ये सब लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम सब मिलके पार्टी वार्टी करने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग कोई ड्रामा क्रिएट मत करना इनके सामने। ये लो। थैंक यू। आओ गिलास अपना। ये जाम अंजू के ससुराल के नाम। डांस वांस करें, म्यूजिक लगाऊं? बिल्कुल। अरे क्या हो रहा है ये? ये बंद करो, बंद करो ये सब। ए, हाँ क्या हो रहा है ये? कौन है तू? अंजू ये कौन है? तूने म्यूजिक क्यों बंद किया? बताओ मैं कौन हूँ? हाँ बताओ मैं कौन हूँ? ये क्या बदतमीजी है पापा जी? बदतमीजी? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ कि तुम लोग कर रहे हो? बेशर्मी की हद होती है। ये मेरा घर है, कोई क्लब नहीं, जो मर्जी करो। तो बहुत तू लास्ट शर्म सब बेच खाई है क्या? मॉडर्न होने का मतलब बेशर्म होना नहीं होता। अब तक यहां जो कुछ भी हो रहा था ना, मैंने सब देखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा था किसी दिन तो सुधर जाएगी, समझ जाएगी, लेकिन नहीं। आज तुम लोगों ने जो किया है ना, बर्दाश्त के बाहर है और मैं मेरे घर में ये नहीं होने दूंगा। चलो बाहर, चलो बाहर चलो। हाँ हाँ जा रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हो? जो तुमने सही कहा था, तुम्हारी फैमिली वाले बहुत बैकवर्ड हैं। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था अपना इंसल्ट करवाने। चलो गाइस। और बहू तू लास्ट टाइम थोड़ी भी बची है ना, तो अंदर जा और कपड़े बदल के आ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? आप गवार लोग अपने आप को समझते क्या हो? बहू अपनी जबान को लगाम दे।
तू तो चुप ही कर बूढ़ी अम्मा, जिंदगी भर तूने बर्तन और झाड़ू के अलावा कभी लाइफ में कुछ किया है जो तू मुझे सिखाने चली है? जाहिल कहीं के। अरे तुम लोगों से अच्छे तो अनपढ़ लोग होते हैं, कम से कम वो अपने काम से तो काम रखते हैं। लेकिन नहीं, तुम लोग तो घमंडी होने के साथ साथ बदतमीज भी हो, जानवर हो तुम लोग, जानवर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी पापा से ऐसे बात करने की? और उन्होंने जिस तरह मेरे दोस्तों से बात की उसका क्या हा? दोस्त जानता हूं मैं तुम्हें भी और तुम्हारे दोस्तों को भी, समझी? तुम्हारा वो एक्स विक्की आया था ना, उसी के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही थी ना तुम। बस करो दीपक, अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। लाइन क्रॉस? लाइन तुमने क्रॉस की है, समझी? जो पापा ने किया सही किया, अगर मैं होता ना तो मैं भी उनको धक्के मार के बाहर निकाल देता। मेरी गलती है जो मैं तुम्हें यहाँ लेके आया, सबसे बड़ी गलती की मैंने। सही कहा तुमने, सबसे बड़ी गलती कर दी है मैंने तुमसे शादी करके। अच्छा, कितना बदल गए हो तुम दीपक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ, इसलिए रोका है तुम्हें, जाओ ना। सुनिए, अखबार ही पढ़ते रहेंगे या मंदिर जाना है हमें? अरे तो तुम्हारे लिए तो वेट कर रहा था, चलते हैं, चलो ना। दीपा तू कहाँ जा रहा है? आज तो संडे है, ऑफिस भी बंद है। पापा जी मैं वो अंजू के पास जा रहा हूँ। क्या इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी? कितनी घमंडी है वो, उसने तुझे एक बार भी फोन किया नहीं ना, तो तू क्यों जा रहा है उससे मिलने? तो जिंदगी भर ऐसे नाराज बैठा रहा हूं उससे। और वैसे भी अकेले अंजू की गलती नहीं थी। ये तू क्या बोल रहा है? दरअसल में गलती मेरी है जो मैं उसे यहां लेकर आया, मुझे उसे यहां लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि आप दोनों उसको समझोगे, लेकिन नहीं, ना तो आपने उसे समझा और ना उसने आपको समझने की कोशिश की। सही कह रही थी अंजू कि मुझे ट्रांसफर ले लेना चाहिए था वहां पर, तभी हम जाकर वहां पर खुश रहते। दीपक ये तू क्या बोले जा रहा है? शालिनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सही तो कह रहा है ना वो, सही कह रहा है बेटा तू। अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, आखिर तुम्हारी खुशी में तो हमारी खुशी है ना। और सही है, अंजू के और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। कहा वो मॉडर्न ख्यालातों वाली लड़की और कहा हम पुराने लोग। और हाँ, उसने ये भी सही कहा, तेरा दिल्ली ट्रांसफर लेना ही सही होगा, वही तुम लोग खुश रहोगे। लेकिन बेटा एक रिक्वेस्ट है, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बता दिया कि अगले महीने तुम्हारे शादी की खुशी में मैं एक रिसेप्शन पार्टी दे रहा हूँ। कम से कम तब तक अगर तू अंजू को यहाँ ला के रख सकता है तो अच्छा रहेगा, वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है, हम टोकेंगे नहीं उसे। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे पता है वो नहीं मानेगी। ठीक है ना बेटा, तू कोशिश तो कर ले, वरना हम उसे मनाने की कोशिश करेंगे। अरे भाई किसको मनाने की बात हो रही है? अरे नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे तू कैसे यहाँ आ गया? अरे भैया मैं वो शहर जा रहा था तो सोचा यहाँ होता चलूं। भैया बहू नहीं दिखाई दे रही? वो अंजू जरा मायके गई है, बस दो तीन दिन में आ जाएगी। पापा जी मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जाना है। दीपक हम भी मंदिर जा रहे हैं उसी तरफ, हमें रास्ते में छोड़ देना। माँ मैं कार लेकर नहीं जा रहा हूँ, कार यहीं पर है, आप चाचा जी के साथ चले जाना। हाँ बोलो, अब यहाँ क्या लेने आए हो? ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? अंजू हमेशा उल्टी बातें करती हो,
हाँ, अब तो मेरी बातें भी तुम्हें उल्टी लगेंगी, है ना? सारी की सारी कमियां तो मुझ में ही है, अच्छे तो सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। वैसे तुमको पता है, मम्मी और पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया, दोनों अफसोस कर रहे थे। क्यों झूठ बोल रहे हो दीपक? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, कसम से उनको एहसास हो गया है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अब तू दिल्ली ट्रांसफर ले ले। क्यों झूठ बोल रहे हो दीपक? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, कसम से, बस एक बार मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले। उससे पहले क्या? मम्मी और पापा ने हम दोनों की शादी के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखी है और वो चाहते कि तुम भी घर पर आओ। एक बार पार्टी खत्म हो जाएगी तो हम दोनों वापस दिल्ली आ जाएंगे। इम्पॉसिबल दीपक, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे ना ही वो घर पसंद है और ना ही उस घर में रहने वाले लोग। अच्छा तो इसलिए तुम मुझे मक्खन लगा रहे थे? अच्छा ठीक है, नहीं जाना तुमको, मत जाओ, लेकिन ये गुस्सा थूक दो। चलो जल्दी से स्माइल करो छोटी सी। या जय बात। पापा वो बाहर गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। हाँ वो जयेश ले गया है, कुछ जरूरी काम था इसलिए, कल सुबह ले आएगा। तू बता अंजू कहाँ है, नहीं आई? नहीं मानी। तो हम बात करें, शायद मान जाए। नहीं पापा उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो नहीं मानेगी। ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ बोलिए, क्या बात करनी है, क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हो? अरे नहीं बेटा ऐसा मत बोल, उस दिन जो भी हुआ उस बात का हमें अफसोस है, हम अपनी गलती मानते हैं, माफ कर दे हमें। देख बेटा गुस्सा मत कर, दीपक के पापा जी भी बहुत दुखी है इस बात को लेकर, आप भी बात करिए ना। हाँ बेटा उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दे, दरअसल हमें तुम्हारे दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात को, वैसे भी उन बातों को याद करने का क्या मतलब है? नहीं बेटा अगले महीने मैंने एक मैरिज रिसेप्शन पार्टी रखी है तुम्हारे और दीपक के शादी की खुशी में, सारे रिश्तेदारों को बुला चुका हूँ, अगर रिसेप्शन पार्टी में तुम नहीं रही तो हमारी बहुत बदनामी होगी बेटा, इसलिए कम से कम रिसेप्शन तक तुम दीपक के साथ आ जाओ और हमारे साथ घर में रुको। नहीं नहीं पापा जी मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोलना, तुझे घर में जैसा रहना है ना तू वैसे रहना, अगर रोज पार्टी करनी है तो कर, हम तुझे नहीं रोकेंगे। रिसेप्शन पार्टी तक रुक जा, उसका भले तू दीपक के साथ दिल्ली लौट जाना, हम तुझे नहीं रोकेंगे। आखिर तुम्हारी खुशी में तो हमारी खुशी है ना बेटा, अगर हमारी जगह हमारे सगे माँ बाप होते तो क्या तुम उन्हें माफ नहीं करती? माफ कर देना बेटा, इतना तो मान रख ले। अरे नहीं नहीं आप प्लीज माफी मत मांगिए, आज शाम तक मैं अलीगढ़ पहुंच जाऊंगी। हाँ थैंक यू बेटा। कितना समय हो गया अब तक आई क्यों नहीं वो? आप टेंशन मत लीजिए ना, आ जाएगी वो। क्या पापा जी आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा हमने आज बहू से बात की थी, उसे माफी भी मांगी थी और उसे वापस आने के भी कहा था, वो मान भी गई थी लेकिन वो अब तक नहीं आई है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, उसको आना नहीं होगा इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अरे नहीं आना नहीं होता तो वो हाँ क्यों करती? माँ उसका मूड बदल गया होगा, सुबह फोन अपना ऑन कर लेगी तो आ जाएगी वो, आप लोग जाइए और सो जाइए। क्या हुआ बेटा बात हुई अंजू से? नहीं पापा उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, अब तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है पापा जी। बेटा तुम एक काम करना, तू जाकर देखना उसे, चिंता हो रही है हमें।
ठीक है माँ, गाड़ी की चाबी लेके आना, मैं जाता हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अंजू यही रहती थी। जी हाँ, मेरी बीवी है। हमें अंजू की लाश मिली है। लाश? जी क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? हमें उसकी बॉडी दिल्ली हाईवे के जंगल के पास से मिली है। ऐसा लगता है उसको मारकर उसकी लाश को वहां फेंक दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको शिनाख्त के लिए हमारे साथ आना होगा। चलिए चलिए। दीपक बेटा, तूने इतने दिनों से ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं है, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तूने ढंग से खाया पिया नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। माँ मुझे भूख नहीं। लेकिन बेटा ऐसे कैसे चलेगा? देख जो होना था सो तो हो गया, भगवान की मर्जी के आगे किसी की चली है क्या? देख अंजू तो अभी वापस नहीं आने वाली, लेकिन तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, जरा अपने बारे में सोच। मैंने जयेश से बात की थी, मिश्रा जी अभी भी अपनी बेटी के शादी के लिए राजी है, सिर्फ तू हाँ कह दे बेटा। आप ये कैसी बातें कर रहे? मुझे नहीं करनी कोई भी शादी। दीपक सुन, दीपक सुन, तू नमस्ते भैया, क्या हुआ? सब ठीक तो है? दीपक माना क्या नहीं? अरे कहाँ ठीक है, वो देख जिद पर आवत है, समझा समझा कर थक गए हम, और वो कहता है कि दूसरी शादी करेगा ही नहीं, समझा के देख। दीपक ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा कब तक चलेगा? देखो पुरानी सारी बातें भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। आराध्या बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी, तुम बस एक बार शादी के लिए हाँ कह दो। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ, दीपक को गिरफ्तार करो। अरे पर क्या किया उसने? अरे इंस्पेक्टर साहब क्या है ये सब, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं मुझे? हमें शक है कि दीपक ने ही अंजू का कत्ल किया है। कि क्या कह रहे हैं आप? भला मैं क्यों अपनी बीवी को मारूं? और क्या सबूत है आपके पास? सबूत और वजह दोनों है, इसीलिए अरेस्ट किया है। सबूत और वजह? समझा नहीं मैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी समझ आ जाएगा। पहली बात तो ये, तुमने हमसे अंजू की सही पहचान छुपाई। उसका नाम अंजू मिश्रा नहीं बल्कि अंजलिका था, और वो एक क्रिश्चियन थी। और दूसरी बात ये कि तुम दोनों के बीच आए दिन कोई ना कोई झगड़ा होता रहता था। नौबत यहां तक आ गई थी कि तुमने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसको घर से बाहर नहीं निकाला था इंस्पेक्टर साहब, वो गुस्से में गई थी, और मैंने पहचान इसलिए छुपाई ताकि मम्मी पापा को पता ना चले, क्योंकि अगर मैं इनको बता देता तो ये हमारे रिश्ते के लिए कभी मानते ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई। सबसे जरूरी बात यह है कि मरने से पहले अंजू तुम्हारे साथ थी। इंस्पेक्टर साहब वो तो मैं एक दिन पहले उससे मिलने गया था, मिलने नहीं बल्कि उसको मनाने गया था ताकि वो घर पर आ जाए। मिस्टर दीपक मैं एक दिन पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन मर्डर हुआ था। तुमने उसे रोड से पिक किया था, फिर जंगल में ले जाकर उसको मार दिया। हमारे पास CCTV फुटेज है, ये देखो। मिस्टर दीपक ये तुम्हारी कार है ना? इंस्पेक्टर साहब कार तो मेरी है, पर क्या? देखो अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। एक मिनट, कार मेरी है लेकिन उस दिन चाचा जी मेरी कार लेकर गए थे। असली कहानी ये है, उस दिन उस कार में दीपक नहीं बल्कि तू था। बता क्यों मारा अंजू को? मैं सब बताता हूँ आपको, इन सब में मैं अकेला नहीं था, भैया और भाभी भी इसमें शामिल थे।
भैया का ही प्लान था अंजू को मारने का। मम्मी पापा ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? आप दोनों ने मेरी अंजू को मारा है। तो क्या करते हम, उसे कोई चारा नहीं छोड़ा था हमारे लिए। और माँ आप तो पापा जी को रोक सकती थी ना, आपने भी नहीं रोका। रोक सकती थी पर रोका नहीं, क्योंकि उस दिन मेरी आंखों ने जो देखा वो कोई भी औरत देखना नहीं चाहती। अंजू और उसके दोस्तों ने तेरे पापा जी की जो बेइज्जती की वो सब देखा मैंने। आज तक तेरे पापा जी से किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। अंजू और उसके दोस्तों ने मेरे सामने इनकी बेइज्जती की, मुझे धक्का दिया। चाहती तो मैं उसी दिन उसे जान से मार देती, फिर मैंने सोचा तू उसे सबक सिखाएगा, लेकिन नहीं, तू तो निकला जोरू का गुलाम। जब वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी, हमें लगा था कि चलो अब छुटकारा मिल गया उससे। हमने सोचा था तेरा उससे डिवोर्स करवा देंगे और तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन तू तो उसके बिना दो दिन भी नहीं रह पाया। तुझे हमसे ज्यादा उसकी फिक्र लगी रहती थी, इसलिए जब उस दिन तू उससे मिलने दिल्ली गया, उस दिन भी मैं समझ गया था कि तू उसे कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने तुझे उसे लाने के लिए भेजा। फिर जयेश के साथ मिलकर हमने ये प्लानिंग बनाई। क्या बात है भैया, दीपक परेशान दिख रहा था, कुछ बात है तो बताइए। बताइए ना जयेश को, कुछ छुपाइए मत, ये भी तो परिवार का ही हिस्सा है ना। हाँ बताइए ना भाभी। अब तुम्हें क्या बताएं जयेश, तुम्हारे भैया भाभी की बहुत बेइज्जती हुई। क्या बात कर रही है भाभी, उस अंजू ने बहुत बुरा भला कहा हमें, बस हाथ उठाने की कमी रह गई थी और कोई कसर नहीं छोड़ी, और यहाँ तक कि वो दीपक को भी हमसे दूर करना चाहती है। तो आप तलाक क्यों नहीं दिलवा देती उसे? सोचा भी हमने यही था, और मैंने इनसे कहा भी था उससे बात करने के लिए, पर पता नहीं क्या हुआ अचानक से ये उसे घर बुलाने की बात करने लगे। अरे तो और क्या करूं, देखा नहीं कितना लगाव है उसे उससे, दो दिन भी उसे बगैर नहीं रह पाया, तो क्या उसे तलाक देगा? तो मतलब अपने बेटे से दूर हो जाए? नहीं, मैं दीपक को कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है भैया? देख जयेश, और सिर्फ एक ही तरीका है, वो अंजू को मारना होगा, वरना जयेश उसे कभी छोड़ेगा नहीं। अच्छा तो इसीलिए उसे बुलाने की बात कर रहे थे? हाँ, एक बार उसे आ जाने दो, फिर किसी भी बहाने उसे मार डालेंगे, उसको लाश को बाहर फेंक देंगे और कह देंगे कि वो भाग गई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? लेकिन वो दीपक के साथ वापस नहीं आई, तो अगले दिन जब वो जयेश आया गाड़ी लौटाने के लिए, तो उसने हमें एक आइडिया दिया कि हम अंजू को वापस बुला ले, और हमने वैसा ही किया, अंजू हमारे साथ वापस आने को राजी भी हो गई। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज माफी मत मांगिए, आज शाम तक मैं अलीगढ़ पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू क्यों परेशान होती है, हम लोग आते हैं ना तुझे लेने के लिए। ओके पापा जी, दीपक भी आएगा? हाँ हाँ वो भी आएगा। ओके भैया सब ओके है ना? हाँ जयेश, हमारा ये प्लान बिल्कुल फेल नहीं होना चाहिए, वो लड़की किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए, वरना हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है भैया, चिंता मत करो आप लोग, नहीं बचेगी। हमने उसे झूठ कहा था कि दीपक भी हमारे साथ आ रहा है, ताकि वो दीपक को कॉल ना करे, और जब हम वहां पहुंचे तो ऑलरेडी हमारे लिए रास्ते पर रुकी हुई थी। आ जाओ बहू, बैठ जाओ। जी हेलो बेटा। हेलो चाचा जी। माँ जी दीपक नहीं आया, आप तो कह रही थी कि वो भी आने वाला है। वो बेटा उसे अर्जेंट कुछ काम आ गया ऑफिस में, उसे जाना पड़ा। चलो ना हम लोग चलते हैं। चलो, फिर हमने कार को जंगल में सुनसान जगह पे ले गए। चाचा जी आपने सुनसान इलाके में गाड़ी क्यों रोकी? ताकि मेरे बेटे की जिंदगी तू बर्बाद ना कर सके।
भैया हम इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं, चलिए। चल। उसके बाद हमने अंजू की लाश को जंगल में फेंक दिया और घर लौट आए। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं और आप लोगों ने तो अपने बच्चे का घर ही उजाड़ दिया। लानत है तुम जैसे लोगों पर। माना कि अंजू के तौर तरीके गलत थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से जान से मार दो। ऐसा करके तुम लोगों ने यह बता दिया कि तुम लोगों की सोच कितनी घटिया है। ले चलो इन तीनों को।